मैं बारिश बहुत पसंद है और मुझे कीचड़ में गिरी हुई तुम भाई वाह, इसी वजह से छोड़ के गई है, इसी वजह से छोड़ के गई है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ ना, निकला करो रात को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बैक हो गई तुम्हारा एक और नए व्लॉग में। यार जी सीन कुछ ऐसा है कि तोता के त्यौहार होके गड्डी बैठी है, ठीक है, और आज निकलना है मामू के घर जाना है, कुछ दो तीन काम है छोटे मोटे वो पहले निपटाने हैं। और दूसरी बात ये बताओ कि यूनिवर्सिटी एफ यू आर सी के डॉन से मिले हो ना, ठीक है, कल वाले व्लॉग में। जिस जिस बंदे ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा जाओ प्रोफाइल में और अभी जी करो व्लॉग वो वाला देखो, ठीक है। तो बाकी चलते हैं फिर, छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं फिर मिलते हैं। तेरा पता नहीं क्या रोला हो गया गड्डी में, कोई मसला आ गया, चेक इंजन बोल रहा है, बार बार बंद हो रही है गड्डी। यार जी बड़ा रोला हुआ है, अब इसको मैं पहुंचाऊं पहले घर किसी तरीके से पहुंचूं ना, तो फिर चलते हैं इसको ठीक करवाते हैं। यार जी पता नहीं क्या रोला आ गया इसमें। तो यार जी ये वो ज्यारत है जिसका मैं बोल रहा था ना पिछले व्लॉग में भी, इस पर भी किसी दिन चढ़ेंगे ना, एक व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। ये पूरी नीचे से यहाँ से चढ़ना पड़ता है ना और वहाँ ऊपर तक जाना पड़ता है, वो देख सकते हो सामने। तो इसका भी किस दिन करते हैं, कोई ब्लॉग शॉक बनाते हैं ना, इधर चढ़ते हैं ऊपर। बड़ा अरसा हो गया मैं नहीं चढ़ूँ इस पर। फ्रेंड के गर्ल, ठीक है, तो ये है उसकी ब्लू बर्ड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। इसके रिम्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लिए हैं इसने, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी ये भी पेट्रोल लेके आए हैं, ये है जी कासम, पहले ये इससे मिल लें जी। ये है जी कासम फ्रेंड, जिसका मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये इसकी गाड़ी है, ये भी पेट्रोल लेके आए हैं। ये वाला जो पेट्रोल था ये पूरा भाई जी पानी वाला है, ठीक है, ये देख सकते हो नीचे इसके पानी। तो ये वाला सारा निकाल दिया है, आजकल बड़ा ये स्कैम चल रहा है। अभी ये लाया है, ठीक है। तो बाकी एग्जॉस्ट या सुना है कुछ लाया है जी भाई? लाया है, ये सेट हो तो लगाएंगे ना। कौन सा एग्जॉस्ट है कुछ दिखा ना, ये पेट्रोल देख लें। हाँ। इसके अंदर लीटर तो पानी पड़ा हुआ है, अब ये लाइन चेक करने के लिए कि स्टार्ट होगी या नहीं। ये तो रोला हो गया। अच्छा एग्जॉस्ट, अच्छा ये है जी एग्जॉस्ट, वाह माशाल्लाह क्या बात है। ये कौन सा है? ये एचकेएस, एचकेएस का है। ये कब इंस्टॉल कर रहा है ये? इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाए ना फिर करते हैं। यारा मैंने भी करना है, पर मेरी गाड़ी मसला कर रही है, यार बार बार बंद हो रही है, चेक इंजन का ऑप्शन आ रहा है, क्या सिस्टम है ये जी? वो समझ आ गई मुझे, वो क्या मसला है। वो नीचे होता है इंजन के साथ सेंसर। अच्छा, वो सेंसर जो खराब होने या पानी या कोई तेल इस तरह की कुछ चीज चली जाए ना, तो इसकी वजह से गाड़ी बंद होती है। वो इस वजह से हो रहा है, मैं भी परेशान हूँ, मैंने कहा कोई लंबा काम ना आ गया। चलो वक्त ही डालना पेट्रोल, देखते हैं क्या बनता है। ये तो सारा पानी ही था। अच्छा, बाकी हम यही गाड़ी लेके जाएंगे जी अपना न्यू ईयर मनाने के लिए, इंशाल्लाह एग्जॉस्ट भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा तब तक। फिटिंग होगी सही, सही है, अभी पूरा माहौल बनाएंगे और करेंगे। बाद में आपको बताता हूँ, ये इसकी आदत इस वजह से हुई है। उस दिन मैं गया था पिंडी में, मैंने कभी इस पर ड्रिफ्टिंग नहीं की, फर्स्ट ट्राई किया था। ड्रिफ्टिंग की वजह से कचरा था टैंकी के अंदर, तो सारा आ गया। और दूसरी वजह ये है, बाकी पेट्रोल डाल इसमें जरा, बाकी इलीगल लीगल सारा होगा, नहीं होगा। आ गए हैं ये यहाँ शॉप पे, तो अभी गाड़ी चेक करवाने लगे। अब ये गाड़ी का बोनट खोले, चेक करें, स्टार्ट करो भाई जान। अभी देखते हैं क्या मसला निकलता है यहाँ पे। स्टार्ट करो भाई जान, स्टार्ट करो, क्या बोने स्टार्ट करो, जा स्टार्ट कर दो गाड़ी निकलने। बाकी ये भाई आ गया, स्टार्ट कर दो। भाई जान रोला क्या था?
रोला यारा ये था कि जो लो वाला सेंसर होता है ना वो बड़े अच्छे से चेक नहीं कराया था, साफ सफाई नहीं कराई थी, वो रिड़ता रिड़ता पीछे आ गया था, वो भी चेक कराया जी, तो वो बहुत पीछे आ गया जिस वजह से गाड़ी बंद हो रही थी। बाकी हाइड्रोलिक का थोड़ा तेल का कम हुआ, थोड़ा का बहुत ज़्यादा कम था, चेक मैंने काफ़ी अरसे से नहीं किया है, वो भी फिर डलवाया है, ठीक है। ब्रेक ऑयल भी बिल्कुल बड़ा हुआ था, खाली हुए थे सारे डब्बे, कुछ भी नहीं चेक किया था, इसीलिए ब्रेक भी सही भाई अपने वो क्या कहते हैं रामी 125 के साथ लगा रहता है ना, 125 के बाद साथ उसके साथ लगा रहता है, गाड़ी को देखा ही नहीं है, गाड़ी को लवारिस छोड़ दिया था, जिस गाड़ी के साथ यतीमों वाला सलूक किया है, तो यतीमों की फिर कोई देखभाल कर लेता है, इसने बोला कि गाड़ी यतीम नहीं है। बाकी अभी चलते हैं, गंदी भी बहुत हुई है ना, सर्विस स्टेशन भी इसको जरा वॉश करवा लेते हैं। बाकी जिंदगी में रोले मुक गए आज, जिंदगी का रोला आज खत्म हो गया, यही रोला था खत्म कर दिया, खत्म हो गया। बाकी अभी सर्विस स्टेशन चलते हैं, टाइम थोड़ा लग गया, बरेली रोला फिट हो गया, सिस्टम खत्म आ जाए। मैं कहता हूं बिचवाड़ दे, से देखो पाकिस्तानियों के काम, पाकिस्तानी आवाम है ना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है भाई जी, अब आम बात नहीं है ना, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, हर जगह टैलेंट पड़ा होता है, सड़कों के साथ हर जगह। स्टेशन पहुंच गए जी, बाकी सर्विस स्टेशन पहुंच गए, अभी गाड़ी रश नहीं है, वॉश करवा लेते हैं, शुक्र है रश नहीं है। चल ना मेरा पुत्र आगे निकलना, पीछे के लाई है। तो सीन ऐसा है कि ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात चल रहे थे, वो सच्ची एक बात याद आई, भाई ने आज शेर नहीं सुनाया कोई अच्छा सा, जरा कोई शेर तो सुनाओ। शेर अच्छा अच्छा शेर नहीं सुनाया ना, हाँ मैंने आज, चलो फिर तुमने कहा शेर एक सुना देते हैं। तो आज से तकरीबन डेढ़ एक साल दो साल पहले की बात है, तो उसने मुझे कहा कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। वाह, फिर तुम्हारा भाई पता है टहरा आउटडोर शायर, तो तुम्हारे भाई ने फिर लिख डाली शायरी, शायरी कि मैंने उसे बोला कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। वाह वाह, समझ रहे हो ना बात, समझ रहे समझ रहे, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है और मुझे कीचड़ में गिरी हुई तुम। वाह भाई वाह, इसी वजह से छोड़ के गई है, इसी वजह से छोड़ के गई है, समझ रहे हो ना बात को, ना निकला करो रात को। अरे जी जब मैं उसको ये शायरी सुना चुका ना, तो फिर मुझे पता लगा कि वो भी इंडोर शायर है जी, ठीक है समझ रहे हो। तो फिर उसने मुझे एक शेर सुनाया, अर्ज किया, अर्ज करें फिर, अर्ज करें, अर्ज किया है, कहती है कि हुसन की हर अदा से वाकिफ हूं मैं, तुम मेरी ग्यारहवीं मोहब्बत हो। कैमरा बंद कर दे यरा जी, अपनी ब्लू बर्ड भी आ चुकी है, ठीक है, वो सामने जा रही है, अभी जाते हैं आपको साउंड सिस्टम चेक करवाते हैं इसका भी और ब्लू बर्ड का भी, ब्लू बर्ड का भी। तो रोला ये सर्दी बताई थी ने बहुत हैवी, तो निकलते हैं, ये जा रही है अपनी ब्लू बर्ड जा रही है जी। खान जी जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकी ये व्यू देखो, और यरा जी आज जो सर्दी बताई हुई है ना वो बड़ी हैवी बताई हुई है, मानो ना मानो। भाई को ज्यादा ठंड लग गई है, पिए ये बैंड इसको समझा मैंने, अब क्या करे ठंड में बेचारा, अकेला पंडल हो गया। पंडल हो गया वो उधर जंगलों में जाने लगे। ये बिल्कुल, ये देखना ना जो सीन है यहाँ पे, हाय हाय हाय, बिल्कुल सही भाई, व्यू उधर व्यू चेक करो, क्या साग के नहीं। बाकी ये अर्थकल का घोड़ा यहाँ ही रह गया, वो आया था बेचारा इधर सोसाइटी में, हाँ पाकिस्तानी आवाम है ना, उसे कोई चीज कोई बाहर से आया ना उसकी चीज देते नहीं है वापस उसको कि वो ले। भाई जान आप क्या सीन है, अब यरा जी वूफर चेक कराते हैं बाकी का दोनों के, अब क्या आ जाओ बाकी पहले पीछे का रिव्यू करवा देते हैं, पीछे से खोलो डीजी, बाकी ये इस चीज को देखना, ठीक है सही है, मोबाइल चले तो रखो ना, बाकी सही अभी नोट करना। JBL का लगा हुआ है, वूफर चेक कराओ ना, वही सब चेक कर रहे, मुंह किधर है इसका, आगे वाली साइड पे है, मोबाइल रखी इसके ऊपर, लाल देख सकते हो गई है पकड़ी। तो ये
मेरा जी ये है ठीक है, अपना ये भी JBL का ठीक है और ये भी JBL का है। लौटते पैसा इसके ठीक है। ये जी ऐसे पकड़ते हैं आज। आने दे आने दे आने दे आने दे आज आज चासा गई हूँ। मजा भाई इसी चीज का ठीक है, मजा इसी चीज का ठीक है। मैं भी थोड़ी सी वाइब्रेशन ले भाई, ये कंट्रोल था। बाकी ये जी गाना स्टॉप कर। बाकी यार जी ठंड बहुत हैवी बताई गई है ठीक है। सामने भाई फोग चेक कर सकते हो और ये वाला व्यू भी चेक कर सकते हो सूरज वाला। मैं तो कहता हूँ चस आ गई उन, चस आ गई उन। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह।